तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीए फाउंडेशन जून 2024 का परीक्षा परिणाम जारी। एक बार फिर एलएनएएस कॉमर्स कोटा स्टूडेंट्स ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। प्रियांशी अग्रवाल बनी हाड़ौती टॉपर। एलन कोलकाता की ओर से मोटिवेशनल सेशन का आयोजन। श्री घनश्याम जी महाराज ने बच्चों को किया मोटिवेट। एलन पीएनसीएफ कोटा की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। कार्यक्रम में राजस्थानी लोक कलाकार बुट्टे खा मांगणियार ग्रुप ने दी शानदार प्रस्तुति। वृक्षारोपण अभियान का आयोजन। उत्साही स्टूडेंट्स और एलन टीम मेंबर्स ने बढ़ चढ़ कर किया पौधारोपण। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। सीए इंटरमीडिएट जून 2024 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है और हमेशा की तरह एक बार फिर से एलन एस कॉमर्स कोटा स्टूडेंट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सीए फाउंडेशन जून 2024 परीक्षा परिणामों में प्रियांशी अग्रवाल ने सर्वाधिक 336 अंक लाकर समस्त हाड़ौती क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया। एलन एस कॉमर्स कोटा से 44 स्टूडेंट्स ने अच्छे अंकों से सीए फाउंडेशन की परीक्षा पास की है। इस अवसर पर एलन अकेडमिक हेड सीए विवेक बंसल सर ने स्टूडेंट्स की मेहनत, लगन और समर्पण की सराहना की। एलन एस मेंटर विनोद शर्मा सर ने सभी सफल स्टूडेंट्स को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि एलन संस्थान अपने उत्कृष्ट शैक्षिक मानदंडों और निरंतर अच्छे परिणामों के लिए जाना जाता रहेगा। और अब बुलेटिन में रुख करते हैं ज्ञान से पहचान क्विज की ओर। हेलो, मैं हूँ संचारिका। एलन संचार द्वारा प्रस्तुत ज्ञान से पहचान क्विज में आपका स्वागत है। 5 प्रश्नों वाली इस क्विज में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 10 सेकंड के भीतर कमेंट बॉक्स में बताना है। लेट्स स्टार्ट द क्विज। यह थी आज की क्विज। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपने कितने सही जवाब दिए। धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे नए ज्ञान से पहचान क्विज के साथ। एलन कोलकाता की ओर से स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेशन का आयोजन किया गया। सेशन में सैकड़ों उत्साही स्टूडेंट्स और एलन टीम मेंबर्स ने हिस्सा लिया। सेशन में श्री झालरिया पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री श्री 1008 श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज ने शामिल होकर सेशन की शोभा बढ़ाई और बच्चों को अपने प्रेरणादायी शब्दों से प्रेरित किया। इस अवसर पर एलन निदेशक डॉक्टर नवीन माहेश्वरी ने श्री गुरु जी महाराज का फूलों से स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। श्री गुरुजी महाराज ने बच्चों को जीवन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने के लिए धैर्य, अनुशासन और दृढ़ता का पाठ पढ़ाया। इसके साथ ही नवीन सर ने सभी बच्चों टीम मेंबर्स से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। इस मौके पर श्री गुरुजी महाराज ने एलन कैंपस का भ्रमण भी किया। सभी बच्चों ने श्री गुरुजी महाराज की बातों को ध्यान से सुना और जीवन में उनकी बहुमूल्य सीख को अपनाने की बात कही। एलन अपने स्टूडेंट्स की पढ़ाई के साथ साथ उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर भरोसा रखता है। हाल ही में एलन पीएनसीएफ की ओर से एलन सम्मुन्नत के समरस सभागार में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थानी लोक कलाकार भुट्टे खा मांगणियार और उनके ग्रुप ने लोक गीतों और वाद्य यंत्रों पर शानदार प्रस्तुतियां दी।
कार्यक्रम में एलन निदेशक डॉक्टर नवीन माहेश्वरी, एलन वाइस प्रेसिडेंट और पीएनसीएफ हेड अमित गुप्ता सर और स्पाइक मैक के नेशनल वाइस चेयरपर्सन अशोक जैन उपस्थित रहे। राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का अनूठा और समृद्ध अनुभव प्रदान करते हुए कलाकारों ने हारमोनियम, कमायचा, खड़ताल और ढोलक की धुनों के साथ राजस्थानी गीतों की लय ताल से एक अद्वितीय संयोजन का उदाहरण दिया। केसरिया बालम से स्वागत करते हुए उन्होंने गोरबंद, छाप तिलक, निम्बुड़ा जैसे प्रसिद्ध राजस्थानी गीतों के साथ गुरु को समर्पित लोक गीत भी सुनाए। मस्त कलंदर गीत से सभी दर्शक झूम उठे। ये कार्यक्रम स्पाइक मैक के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिससे युवा पीढ़ी में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, संगीत और कला के प्रति एक जागरूकता का आह्वान किया जा सके। भुट्टे खां द्वारा बच्चों को लोक वाद्य यंत्रों के नाम और बनावट के बारे में बताया गया। एलन परिवार की ओर से सभी कलाकारों और संयोजकों का उपरना उठाकर और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। ग्वालियर में चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में एलन ग्वालियर के 200 से अधिक स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने पौधारोपण कर अपने कर्तव्य को पूरा किया। पौधारोपण के बाद सभी पौधों को ट्री गार्ड से कवर किया गया। इस अवसर पर एलन स्टूडेंट्स के साथ कई समाज सेवी संस्थाओं और संगठनों के सदस्य भी शामिल हुए। इस मौके पर एलन एडमिन हेड ऋषि चौबे सर ने बताया कि हमें भी जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। उन्होंने बच्चों से कहा कि आप अपने घर पर भी पौधे लगाएं, जिस प्रकार टीचर्स आपका ख्याल रखते हैं वैसे ही आप उन पौधों का ध्यान रखें। वहीं एलन सीकर और उदयपुर की ओर से भी चलो हरियाली की ओर चलें वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत एलन स्टूडेंट्स और फैकल्टीज ने एलन परिसर और आसपास के इलाके में पौधारोपण कर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। साथ ही फैकल्टीज ने स्टूडेंट्स को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में बताया। इस विशेष कार्यक्रम में एलन फैकल्टीज और टीम मेंबर्स मौजूद रहे। एलन कोलकाता की ओर से स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लोराटोरियम वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में सैकड़ों एक्साइटेड स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप में एक्सपर्ट फैकल्टीज ने स्टूडेंट्स की विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाने के लिए कई आकर्षक प्रयोगों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर स्टूडेंट्स को कई एक्साइटिंग क्वेश्चंस के जवाब मिले। बच्चों ने वर्कशॉप में साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझा और अपनी नॉलेज और क्रिएटिविटी को बढ़ाया। वर्कशॉप के अंत में प्रतिभागी स्टूडेंट्स को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सभी बच्चे इस यादगार वर्कशॉप में शामिल होकर काफी खुश नजर आए। इस अवसर पर सेंटर हेड देवाशीष सान्याल सर, पीएनसीएफ हेड राहुल जांगिड़ सर और एलन टीम मेंबर्स मौजूद रहे। फिलहाल एलन संचार में इतना ही। एलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एलन संचार। नमस्कार।